आज हम बायोलॉजी से सिर्फ 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। उसमें हम देखना चाहते हैं कि विद्यार्थी लोग जो है कितने क्वेश्चन को इसमें सही जवाब दे पाते हैं। उसमें से तो जो ऐसे हम बता देंगे भी, परंतु ये क्वेश्चन हम सिर्फ उसमें छोड़ेंगे जो आप लोगों को जो है कमेंट बॉक्स में उसको आंसर देना है। तो सबसे पहले उसमें कहते हैं निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दे। इसमें सिर्फ 5 क्वेश्चन इसमें लिए हुए हैं कि पहला है पृथ्वी पर सभी जीवों के लिए अंतिम ऊर्जा स्रोत है। पृथ्वी पर जो है सभी जीवों के लिए अंतिम ऊर्जा स्रोत है। क में है ग्लूकोज, ख में है सूर्य प्रकाश, ग में है एटीपी, घ में है पोषक। इसका सही जवाब होगा सूर्य प्रकाश। इसका सही जवाब होगा सूर्य प्रकाश, क्योंकि सूर्य प्रकाश जो है सभी जीवों के लिए अंतिम ऊर्जा स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 2 है रुधिर किस प्रकार के उत्तक है, यानी रुधिर किस प्रकार के उत्तक है। तो इसमें क में है उपकला उत्तक, ख में है तंत्रिका उत्तक, ग में है संयोजी उत्तक, घ में है कोई नहीं। तो उसका सही जवाब होगा संयोजी उत्तक, ग नंबर का संयोजी उत्तक। अब है क्वेश्चन नंबर 3 मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है। मनुष्य का जो है मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है, क में है यूरिया, ख में है यूरिक अम्ल, ग में है अमोनिया, घ में है एमिनो अम्ल। तो इसका सही जवाब होगा यूरिया, क्योंकि मनुष्य का जो है उत्सर्जी पदार्थ यूरिया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है लसिका ग्रंथियां बनाती है। लसिका ग्रंथियां बनाती है हार्मोन, एंजाइम, एंटीबॉडी, एंटीजन। इसका सही जवाब होगा एंटीबॉडी नंबर ग, एंटीबॉडी। अब आखिरी क्वेश्चन है, जो इस आखिरी क्वेश्चन को आप लोगों को जवाब देना है कमेंट बॉक्स में, यानी पुरुषों में यौवन के लिए जिम्मेदार हार्मोन है, यानी पुरुषों में जो है यौवन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है। इसमें है क में वृद्धि हार्मोन, ख में है थायरॉक्सिन, ग में है टेस्टोस्टेरोन और घ में है वैसोप्रेसिन। तो इसका सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर नहीं हो तब पर भी हमें बता दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम जो है आप लोगों को अगले वीडियो में इसका हम आंसर देंगे। तब तक आप लोग कोशिश करते रहिए।